Sardar Vallabhbhai Patel, his speeches and his policy explained in Hindi. Here he talks about Lok Shasan, Lok Shasan democracy ka siddhant. Rajaon ne meri puri tarah se saath diya. आप जानते हैं कि मैं गुजरात का रहने वाला हूं। उधर के जामनगर से पहले मैं बहुत लड़ा, तब ब्रिटिश हुकूमत थी, लेकिन आज मेरी उनसे इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम हो गया है कि हम दोनों सगे भाई की तरह रहते हैं। क्योंकि आखिर वो भी समझ गए और मैं भी समझ गया कि हिंदुस्तान की सलामती ना हो तो राजाओं की सलामती है या हमारी सलामती, तो ये सब मिली है। अगर उनकी वो सेफ होंगे तो हम भी होंगे। हमारी इज्जत छोटी छोटी रियासतों की राज्य करने में नहीं बनती, लेकिन अगर दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत बढ़े तो उसमें हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, राजाओं की भी इज्जत बढ़ेगी। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम हिंदुस्तान को मजबूत करें, तब हमें इस दुनिया के बड़े मुल्कों की कतार में खड़ा किया जा सकता है। इस काम को जितना समय हम बिगाड़ेंगे वह उतना हमारा ही कसूर होगा। जितना लेट करेंगे उतना हम ये काम भी डिफ़िकल्ट होगा और हमारी ही ये गलती होगी। राजाओं का तो धर्म है कि रायत के साथ दें। रायत के लिए इस समय धीरज रखना ठीक है, मगर कभी कभी अधीर हो जाती है, कभी कभी हम गुस्सा भी करते हैं कि इन लोगों को कैसे राज्य सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन वो चाहे जो कुछ भी हो, हमारे अपने लोग हैं, वे चाहे जैसे भी हो, हम उन्हीं को ठीक करना है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान की सरकार का काम है कि वह रियासती और प्रजा का उन्नत करे। ये काम हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो रियासतों को आपस में मिलाकर उनका एक राज्य बनाकर, और दूसरा छोटी छोटी रियासतों को उनके आसपास के प्रांतों में मिला देना चाहिए। इस तरह नए नए बड़े यूनिट इकाइयां बनकर बड़े बड़े प्रांत बन जाएंगे। इन रियासतों को हम बड़े भारत का अंग बना सकते हैं। साथ ही हमारा दूसरा बड़ा कर्तव्य है कि इन नए राज्यों में लोक शासन का प्रवेश करें, कराना है। यह हमारा काम है। यह काम हम दो तरह से कर सकते हैं। एक ओर से तो हम लोग यह काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से रियासतों के राजा भी यही कर रहे हैं। कितने ही राजाओं ने बड़ी खुशी से हमारा साथ दिया है, बहुत ही रियासतों ने उनके राजाओं के सहयोग से यह काम भली प्रकार से पूरा किया है। अब थोड़े से राज्य बच गए हैं, उनमें भी सब लोग शासन का सिद्धांत तो स्वीकार कर ही लिया है, पर और उसको धीरे धीरे अमल भी हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि हम इन चीज़ों को समझ के पूरी तरह से ये सब काम मिलजुल के पूरा करें। अब सिर्फ एक ही राज्य बाकी है जो हैदराबाद है। बहुत से लोग हिंदुस्तान की सरकार के लिए सोचते हैं कि हैदराबाद के बारे में वे कमज़ोरी क्यों दिखा रही है। लोग खींच कर पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है और अब क्या होगा। जब मैं जूनागढ़ में प्रवेश किया था तभी कह दिया था कि हैदराबाद यदि नहीं समझता तो जो हाल जूनागढ़ का हुआ है वही हैदराबाद का होगा। इस बारे में हमारे दो मत नहीं हो सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है, आशा है, कम से कम हमारे पिछले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को पूरी उम्मीद थी कि अपने जाने से पहले वे निज़ाम सरकार को समझा सकें और उन्हें उनकी जगह बता सकें।
मंकटन हैदराबाद के सलाहकार थे, वह भी अंग्रेज था, उसने भी हमारे गवर्नर जनरल से मिलकर मुझसे कहा कि एक साल के लिए आप हैदराबाद से एग्रीमेंट समझौता कर लें। मैंने ये बात मान ली थी, लेकिन जब समझौते की मांग हुई तो फिर उन्होंने मंकटन को भी हटा दिया। तब हमने दूसरे सलाहकार के साथ एक साल का समझौता किया। वे लोग जो समझौता करते थे वही निज़ाम का राज चलाने के लिए बैठते थे। वे लोग अब लालच में पड़ गए हैं कि हमको कुछ और दिया जाए, तो हमारे गवर्नर जनरल ने हमारी तरफ से आखिरी दिन तक कोशिश की। तब तक कोशिश की जब तक वो यहाँ रहे, लेकिन निज़ाम की सरकार एक प्रकार की ब्रिटिश सल्तनत थी, एक प्रिय वस्तु थी और उसको ब्रिटिश शहंशाह का एक ख़ास दोस्त कहा जाता था। हम भी चाहते थे कि हमारे गवर्नर जनरल के हाथ से जो उनका दोस्त है कोई चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें आखिरी दिन तक जो आशा थी वह पूरी नहीं हो पाई। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि यह चीज़ बनने वाली नहीं है, चलते चलते भी पूरा अनुभव हो गया था। मैं चाहता था हम पर कोई दोष ना आए, इसलिए मैंने गवर्नर जनरल से कह दिया था कि ठीक है, हमारी तरफ से आप जितना चाहें उतनी कोशिश करें। कभी हम यह नहीं कहना चाहते कि हमसे कोई गलती या हमसे कोई उदारता नहीं हुई या हमने नहीं दिखाई। गवर्नर जनरल ने उनसे समझौता करने के लिए जो जो बातें कही वे सब बेकार हो गई। उन्होंने कह दिया कि वे बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब हम समझौते की बात नहीं होगी। अब हम भी कहते हैं कि अब समझौते की कोई बात नहीं होगी। जैसा मुल्क में और जगह पे हुआ है वैसा ही इधर भी होगा। मुझे तो ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि किसी दूसरे तरह से हैदराबाद का फैसला हो सकता है। और राज्यों ने जो कुछ किया, अगर हैदराबाद भी खुद इसी तरह से इसके लिए तैयार हो जाए तो हम उसकी इज्जत करेंगे, तब हम उससे मोहब्बत करेंगे। लेकिन अगर वो डंडे से, धोखे से या बाहर की मदद की उम्मीद से कोई रास्ता लेना चाहेगा तो वह नहीं होगा। हिंदुस्तान इस तरह की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। उस तरह से स्वतंत्र हिंदुस्तान भी जिंदा नहीं रह सकता है। तब हम मानते हैं कि हमने देरी की, लेकिन उस देरी की क्या वजह है यह भी आप सब लोग जानते हैं। तो जानने के बाद, लेकिन यह मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अधीरता करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखें, आपके दिल में जितना दर्द हैदराबाद के लिए है हमारे दिल में भी उतना ही है, उससे कम नहीं है। हैदराबाद की प्रजा पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हमारे दिल में बहुत परेशानी है, लेकिन जब एक ऑपरेशन करना होता है तो उसमें कम से कम खराबी और कम से कम खून निकले, इस तरह से हमें काटना चाहिए। आपको विश्वास रखना चाहिए कि हम काटने वाले हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत दफ़ा हमने हैदराबाद में लाठी चार्ज की बात सुनी, बहुत दफ़ा अपमान को बर्दाश्त किया, लेकिन जब वक्त आएगा तब हम आपको बता देंगे कि अब और नहीं होगा। इस तरह से तो नुकसान होगा, दोनों तरफ नुकसान होगा, पर उसकी जिम्मेदारी बिना हम राज्य नहीं चला सकते। आज हैदराबाद राज्य के बाहर जो लोग पड़े हैं वे वहाँ से हुकूमत चलाते हैं। ऐसे राज्य के साथ हमारा समझौता नहीं हो सकता। अगर राजा के साथ हम समझौता करना चाहते हैं तो हुकूमत भी उसके पास होनी चाहिए और उसे बकवास करने वाले को बंद कर देना चाहिए। अगर वह ना हो सके
तो उसके साथ वाजिब ढंग से हमें फैसला करना पड़ेगा और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। आज हिंदुस्तान में बहुत लोग सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ढील दे रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे धीरज की भी परी सीमा है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए हम अकलमंदी, अच्छी नीयत और धीरज से काम करना चाहते हैं। इसलिए हम इतनी देर कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ वक्त दे रहे हैं। कुछ लोग यह भी समझते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की सरकार में कोई मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं। कोई कहता है कि हमारी सरकार में आपस में मतभेद है, ये गलत है, आपस में लड़ते हैं, ये गलत है। कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई पीछे हटना चाहता है, नो, ये सब सच्चाई से बाहर है। सच्चाई यह है कि ऐसी कोई बात नहीं। आज हिंदुस्तान की सरकार कैसे भी बने, उसमें कितने भी पक्षों के लोग हों, लेकिन वे एक राय से एक साथ मिलकर काम करेंगे। उनमें जब ऐसा मतभेद होगा तो एक साथ नहीं चल सकेंगे। तो मेरे जैसा आदमी यह नहीं कर सकता। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज हम सब इकट्ठे बैठे हैं क्योंकि हमारे आगे सामने 5 मील तक का रास्ता सबके साथ इकट्ठा चलने का है। जब तक वह रास्ता हम तय नहीं करेंगे, तब तक हम एक साथ बैठे हैं। लेकिन जब हमें मालूम पड़ेगा कि अगले मील से हम अलग अलग चलने वाले हैं, तब हम हट जाएंगे, क्योंकि हम बेवकूफ नहीं हैं और हम यह भी नहीं समझें कि आज हिंदुस्तान जिस जगह पे बैठा है वह किस हालत में है और उसकी ज़रूरतें क्या है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे कुछ लोग समझदार नहीं हैं तो राजाओं में भी कोई वैसे ही हैं। कोई समझते हैं कि उन्हें किसी ज्योतिषी ने बताया है कि अगस्त में यह सरकार टूट जाएगी और मौका मिलेगा। वे यह नहीं देखते कि इतनी बड़ी सल्तनत टूट गई और किसके हाथ से वह टूटी। ऐसी गलत बातों को सोचना ठीक नहीं, आपको नहीं आना चाहिए। कोई साधु निकलता है तो और कहता है वह राजपूतों का मौका है, कोई कहता है यह जाटों का मौका है। ऐसी बातों को सामने रख के कैसे बेवकूफ़ है। यह हमारा सौभाग्य है कि साधारण जनता में इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें नहीं चलती और ना ही उन लोगों को इस पे कुछ विश्वास है।